नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की भूमि में एक से एक बड़ी योजनाओं का खाका तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश शासन ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बड़े अस्पताल और ट्रामा सेंटर की। जेवर एयरपोर्ट के पास मेट्रो पहुंचेगी, रैपिड रेल का भी खाका तैयार हुआ है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक एक एलिवेटेड सड़क पहुंचेगी। और इसके अलावा और भी कई बड़ी योजनाओं का खाका यमुना प्राधिकरण जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की भूमि में तैयार कर रहा है। यमुना विकास प्राधिकरण ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, आवासीय प्लॉट स्कीम लॉन्च की गई है। एक के बाद एक अनेक बड़ी योजना यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाली हैं। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अगले 10 सालों में एक बड़ा शहर बस जाएगा। आइए देखें अस्पताल और ट्रामा सेंटर की रिपोर्ट। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रामा सेंटर बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी सहमति दी है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के प्रयास से उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के पास बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रामा सेंटर की अनुमति दी है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है। आगामी 10 साल की अवधि में प्राधिकरण क्षेत्र में कई बड़े शहर बसेंगे, हजारों दो लगेंगे और लाखों लोगों का यहां रोजाना आना जाना होगा। ऐसी स्थिति में यमुना सिटी के बासिंदों को बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक अच्छे खासे अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। भविष्य की इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विधायक जेवर के प्रस्ताव को सीएम योगी और स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कई बड़े हाईवे हैं, यहाँ होने वाली दुर्घटना के बाद लोगों को ट्रामा सेंटर तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद यह मुश्किल और परेशानी और भी बढ़ सकती है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के लोगों और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर तीन जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेवर विधायक ने एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ट्रामा सेंटर का प्रस्ताव सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा है। जेवर विधायक के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य प्रमुख सचिव ने गंभीरता से लिया है। विधायक रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से भी उन्होंने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के पास ट्रामा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने पर सहमति दी है। यमुना विकास प्राधिकरण अस्पताल के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। आसपास की बड़ी खबरों के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर।